डी ब्लॉक फायर ब्रिगेड को पहले 7:30 बजे अंगार लगी यहाँ पे तुर्बे में ऐसा कॉल आया था, तो तुरंत हमारा फायर ब्रिगेड का गाड़ी आया। हमारे वहाँ के इंचार्ज जो गोल्ला साहब है वो फर्स्ट टर्न आउट लेके यहाँ पे आए। आने के बाद उनको पता चला कि अंगार बाहर रास्ते पे थी, वहाँ एक टैंकर जल रहा था, वो बुझाने के बाद वो वैसे ही अंदर आए। वैसे वहीं से पता चल, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया उनको कि यहाँ पे अंगार बड़ी अंदर लगी है, एक प्लांट है डामर का, वहाँ पे अंगार लगी है। वैसे अंदर है, स्टार्टिंग में शुरू से ही अंगार थी, वहाँ से बुझाते पहला ये ट्रक बुझाए उन्होंने, उसके बाद यहाँ पे दो उस साइड में दो टैंकर थे वो जल रहे थे, उनको भी बुझाते शुरू कर दिया। वैसे उनको लग रहा है कि अंगार बढ़ रही है, वैसे उन्होंने हमारे MIDC फायर ब्रिगेड आर ब्लॉक को हमको कॉल किया, वहाँ से टर्नआउट लेके हम यहाँ पे आए। उसके बाद हमारा TBI फायर ब्रिगेड से ही फायर ब्रिगेड बुलाया, अंगार वैसे ही बढ़ रही थी। न्यू बॉम्बे को भी बुलाया, वहाँ के इंचार्ज जो है हमारे जाधव साहब वो भी आए थे कॉल पे। वैसे अंगार बुझाते वैसे ही यहाँ पे जो डामर का प्लांट है, टैंकर है, उनको भी बुझाते वैसा अभी कूलिंग का काम चालू था, कूलिंग खत्म हुआ अंगार बुझाई। लेकिन यहाँ पे जब हम अंगार बुझाते तभी कंपनी का कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं था, अभी तक वो यहाँ पे जगह पे नहीं, अभी जगह पे है, अभी कूलिंग का काम खत्म हो गया है। वैसे हम यहाँ से अंगार बुझाने मिनिमम 4 घंटा तो लगा है। बाजू में थोड़ी झोपड़ी है, उनको भी थोड़ा सा वो इसको कंपनी को सटके ही है, लेकिन वो लोग वैसे ही उनको पता चला कि अंगार लगी, वैसे वो भाग के बाहर निकले। वहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पे आए थे अभी अंगार बुझने के बाद, उन्होंने हमको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, सब धमाके हुए, वैसे हम वो बाहर निकले। यहाँ एक ये डांबर प्लांट होता GL कंस्ट्रक्शन कंपनी चा, ते बॉयलर प्लांट फाटल्याशा तिथे आग लागली, पूर्ण एरियामध्ये पसरली, पण आता जीवित हानी किंवा काय हे आता आपल्याला काही कळू शकत नाही, हे सकाळीच काय ते माहिती पडेल। बाहेर फक्त एक ऑटो रिक्षा जडाली आहे, बाईक जडाली आहे, प्लांटचे साधारणपणे 7 दरम्यान, 7:30 7:30 दरम्यान आग लागली की आता आटोक्यात आली पूर्णपणे, काही प्रॉब्लेम नाही। कुठली कंपनी होती? GL कंस्ट्रक्शन कंपनी। काय बनत होत्या? डांबर प्लांट होता तो।